Welcome students, today I am going to start a new chapter for class 7 English, chapter number 12, direct and indirect speech from your English mentor. So in this chapter we will see about the direct speech and the indirect speech. Kya hota hai direct and indirect speech? We will just know about direct and indirect speech with an example which is written on this board. Let's see here. First sentence and second sentence. What it says, in first sentence, as you can see, Vipin said, Nikhil is an intelligent boy. जैसे कि first sentence में आप देखें, यहाँ पे जो speaker है, first sentence और second sentence, दोनों में जो speaker है, speaker के जो words हैं, है ना, जो जो वर्ड्स रिपोर्ट किए गए हैं वो दो डिफरेंट वेज में, दो अलग अलग वे में उसको कन्वे किया गया है. ठीक है, फर्स्ट में स्पीकर क्या कहते हैं, विपिन सेड निखिल इज एन इंटेलिजेंट बॉय. विपिन कहता है कि जो निखिल है वो इंटेलिजेंट बॉय है. इट्स एन एग्जैक्ट वर्ड, इसका एग्जैक्ट वर्ड है ऑफ स्पीकर. स्पीकर के द्वारा बोला गया जो एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या है, जो ये सेंटेंस है जो कि एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. और सेकंड सेंटेंस बच्चों जो हम पढ़ते हैं तो कैसे हम बनाएंगे, विपिन सेड दैट निखिल वाज एन इंटेलिजेंट बॉय. अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि कहा तो सेम बात गई है, दोनों में मीनिंग सेम है. क्या कहा गया कि निखिल जो कि इंटेलिजेंट बॉय है, पर दो अलग तरीकों से बताया है. यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जो स्पीकर है उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ क्या बताया कि विपिन ने कहा, क्या कहा था कि निखिल एक इंटेलिजेंट बॉय थे, ये इस तरीके से बताया गया है. दो अलग वेज में क्या है इसको बताया गया है. ठीक है, दो अलग अलग, तो ये जो स्टेटमेंट है जहाँ पे स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो होता है डायरेक्ट स्पीच, और जहां पे स्पीकर का इनडायरेक्ट जो स्पीकर का जो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होता वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रूल्स है, और देखिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो उसको कोटेट किया जाता है. ठीक है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाता है, बट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया जाता, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कंजक्शन वर्ड दैट का यूज किया जाता है. तो ये दो ये कुछ रूल्स हैं, जब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमें इन रूल्स का क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है. और वैसे ही जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब जो टेंसेस होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जैसे कि आई वी यू दे, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माय योर आर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सब जो कि चेंजेस आते हैं, इन सब में चेंजेस आता है कब, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ता है. तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. नाउ वी विल सी रूल्स फॉर चेंजेस इन टेंसेस. टेंसेस में क्या रूल्स, क्या चेंजेस होंगे उसके रूल्स हम देखेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, सेज, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं सेज, सेड, टोल्ड, ये जो वर्ड्स होते हैं इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब. और जो स्टेटमेंट होता है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, निमे इज गोइंग एब्रॉड, जो स्टेटमेंट होता है, जो स्पीकर के जो एग्जैक्ट जो वर्ड्स होते हैं जो बोले जाते हैं, जो स्टेटमेंट होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, सो व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस सेज, सेड, टोल्ड, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द स्टेटमेंट वो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है. तो जब हम टेंसेस में जो चेंजेस करते हैं उसमें जो रूल हम यूज करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हुआ तो जो डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता. क्या कंडीशन है, रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हुआ
तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसके जो टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आते, ये हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. एलिशा सेज निम्मी इज गोइंग अब्रॉड. दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच है ये, जिसमें जो स्पीकर है, स्पीकर जो कि अलीशा, उनके डायरेक्ट जो एग्जैक्ट वर्ड्स को बताया गया है. अलीशा ने क्या कहा, निमी इज गोइंग अब्रॉड. निमी कहा जा रही है, अब्रॉड जा रही है. एग्जैक्ट वर्ड्स हैं किसके द्वारा कहे हुए, स्पीकर के थ्रू कहे हुए. ओके, सो ये इन्वर्टेड कॉमास में भी है. ओके, सो यहाँ पे देखिए जो सेज जो वर्ड है, सेज सी हियर, सेज जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हमने कंडीशन देखा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हुआ, तो यहाँ पे सेज है. सेज रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है सेज, इसीलिए इनकी जो टेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है, वो एज इट इज. यहाँ पर जब हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, अलीशा सेज दैट. प्रेजेंट टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अलीशा सेज दैट, कंजंक्शन वर्ड पे यूज करेंगे दैट. और जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखा जाएगा, टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, टेंस वैसे ही वैसा रहेगा. निमी इज गोइंग अब्रॉड, इन्वर्टेड कॉमास एज पर द रूल हट जाएंगे. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं. मोहन विल से ऑल नेबर्स आर फ्रेंडली. अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, विल से. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब विल से. विल से फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस है. जैसे कि बताया गया था रूल में, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो जो इसकी जो टेंस है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. कैसे चेंज करेंगे हम, मोहन विल से दैट एज इट इज, जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज आ जाएगा. ऑल नेबर्स आर फ्रेंडली, कोई टेंसेस में यहाँ पर चेंज नहीं आया. ठीक है, आर का यहाँ पे आर ही रहा, कोई यहाँ पे टेंसेस में चेंज नहीं आया. तो जैसे कि बताया गया प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, तो डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा. वैसे ही डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर सेंटेंस कोई जनरल या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बताता हो. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डायरेक्ट टीचर का एग्जैक्ट वर्ड्स है, ये डायरेक्ट स्पीच में है. इसको जब हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल वे बताया गया है, जो ठीक है, एक जनरल ट्रुथ है ये कि ऑनेस्टी क्या है, इट्स द बेस्ट पॉलिसी. तो टीचर इसको चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, द टीचर सेड दैट. अब यहाँ पे क्योंकि ये एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस टेंसेस में चेंजेस नहीं आएगा. सेम जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है वो एज इट इज रहेगा, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. यहाँ पे टेंसेस भी क्या है, टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा. कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस में चेंजेस नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब स्टेटमेंट में कोई जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ हो. ओके, तो ये कुछ रूल्स थे. और हम देखते हैं, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज व्हेन कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो टेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे. देखिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं टेंसेस, उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा. रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो इज एंड आर किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में चेंज हो जाएगा. डायरेक्ट स्पीच के अंदर हैज और हैव हुआ तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हैड बन जाएगा. अगर डायरेक्ट स्पीच में वॉज और वर हुआ तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो वो हैड बीन बन जाएगा. विल शैल वुड और शुड में चेंज हो जाएगा. मे माइट में चेंज हो जाएगा. इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा. कैन कुड में चेंज हो जाएगा. इस तरीके से जो टेंसेस है उसमें चेंजेस आएंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसमें पास्ट टेंस में हुआ.
अब देखेंगे हम लोग अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में है तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिस दिया होगा तो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो दैट बन जाएगा, दिस दोस में चेंज हो जाएगा, हियर देयर नाउ देन टुडे दैट डे टुनाइट दैट नाइट टुमोरो। अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर टुमोरो होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो टुमोरो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, वैसे ही यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब स्टेटमेंट चेंज करते हैं तो ऐसे टेंसेस के अंदर चेंजेस आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और रूल्स स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो कुछ और रूल्स भी हम देखते हैं। वी यूजुअली चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू टोल्ड। हम लोग नॉर्मली जो सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है कौन सा, जो सेड SAID जो सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग टोल्ड में जब चेंज करते हैं TOLD टोल्ड में जब चेंज करते हैं तो उसका रूल क्या होता है, इफ इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके बाद में कोई अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो इसके बाद में जो सेट जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो जो सेट है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू टोल्ड इफ इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, बट इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट वी डू नॉट चेंज सेट। अगर सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो जो सेट जो वर्ड है वो चेंज नहीं होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज आ जाएगा, सेट का सेट ही रहेगा। बट अगर सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो सेट की जगह टोल्ड में चेंज हो जाएगा। कंजंक्शन वर्ड दैट का यूज कर सकते हैं, दैट का यूज किया जाता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। एंड वी ऑल्सो यूज द वर्ड्स लाइक जैसे कि टोल्ड हिम, ओके सेड दैट, इन्फॉर्म्ड हिम, ऐसे जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी रिपोर्टिंग क्वेश्चंस। रिपोर्टिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे, रिपोर्टिंग क्वेश्चंस जब होते हैं, जब रिपोर्टिंग क्वेश्चंस होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। रूल्स फॉर चेंजिंग क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होते जो क्वेश्चन होता है उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। टू फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस आर ऑफ टू काइंड्स, कौन कौन से होते हैं, WH क्वेश्चंस और यस और नो क्वेश्चंस, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। WH क्वेश्चंस जैसे कि when, where, what, why, whom, ये सारे WH क्वेश्चंस होते हैं। एंड यस और नो क्वेश्चंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं जैसे कि इज, आर, डू, डज, ओके, हैव, इन सब वर्ड्स से जो ऑक्सिलरी वर्ब से जो शुरू होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस टू टाइप्स के होते हैं। जब भी जो क्वेश्चंस होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज किया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाता है, आस्क और इंक्वायर, आस्क और इंक्वायर, ओके, क्या क्या है, आस्क और इंक्वायर, ओके। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या, आस्क एंक्वायर। और ये रूल भी है कि जो एंक्वायर जो वर्ड होता है उसके साथ में जो प्रीपोजिशन वर्ड है ऑफ का भी यूज किया जाता है तो एंक्वायर ऑफ लिखा जाता है, एंक्वायर ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज टू स्टेटमेंट फॉर्म। और क्या रूल है, जो क्वेश्चन फॉर्म होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में बदल जाता है और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो भी ड्रॉप कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। कब, जब डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, ओके। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का रूल है किसको, क्वेश्चन को, ठीक है। क्या क्या बताया है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क और एंक्वायर ऑफ हो जाता है और जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाता है और जो क्वेश्चन फॉर्म है वो चेंज होता है स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर। नो कंजंक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ क्वेश्चन वर्ड, कोई कंजंक्शन वर्ड का यूज नहीं किया जाता। कंजंक्शन वर्ड दैट
जगह क्या यूज कर सकते हैं, इफ और वेदर वर्ड का यूज किया जाता है, इफ और वेदर वर्ड का यूज किया जाता है। डू नॉट पुट टू आफ्टर आस्ट, और अगर आस्ट लिखेंगे तो उसके साथ में टू का यूज नहीं किया जाता। ओके, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे द टीचर सेड टू हर व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड टू हर व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड वो चेंज हो जाएगा किसमें, एज पर द रूल आस्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क, और जैसे कि हमने रूल में देखा टू भी आस्क के साथ पे नहीं लगेगा, तो टीचर आस्क टू हर व्हाट हर नेम वॉज, यहाँ पे टेंस भी चेंज हो जाएगा, व्हाट हर नेम वॉज। ओके, प्रोनाउन में भी चेंजेस आ जाएंगे और टेंस में भी चेंज आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्टिंग इम्पैरेटिव सेंटेंस। जो इम्पैरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हमने देखा था क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, और इम्पैरेटिव को अब देखेंगे हम लोग, इम्पैरेटिव को स्टेटमेंट में जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे। द इंट्रोडक्टिव वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, रिक्वेस्ट, कमांड, इन सब में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्ट, ओके, कमांड, ओके, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। द वर्ब इज इन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द इन्फिनिटिव फॉर्म, और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होगा और बाकी जो रूल्स हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे। ओके, तो इम्पेरेटिव स्पीच में चेंज करने का मेन रूल क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएंगे, रिक्वेस्ट, कमांड। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है क्या है बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम लोग जो हमारे जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि सेंटेंस के अंदर अगर सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, ये सब बताया जाता है तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, दैट सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको हम चेंज करेंगे जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हम चेंज करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, जैसे भी जो सेंटेंस में जैसा है वैसे चेंज हो जाएगा। ओके, और जो स्टेटमेंट और बाकी जो रूल्स है वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के क्या क्या रूल्स हैं, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड कैन बी चेंज टू एक्सक्लेम, प्रेड, विश, क्राइड, ब्लेस्ड। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है रिक्वेस्ट और कमांड में, वैसे ही जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे कि एक्सक्लेम, विश, क्राइ, ब्लेस, ठीक है, इन सब में चेंज हो जाएगा। द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज टू द एसर्टिव सेंटेंस। जैसे हमने देखा था क्वेश्चंस को चेंज करते समय हमने एक रूल देखा था, जब वो क्वेश्चन फॉर्म जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज होता है तो स्टेटमेंट फॉर्म में हो जाएगा, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस है वो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा, एसर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड, और जो साइन होता है एक्सक्लेमेशन का साइन क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम ओमिट कर देंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। द वर्ड शोइंग एक्सक्लेमेशन सच एज हुर्रे, अलाज, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ऐसे एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि हुर्रा, अलाज, ओ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसे भी क्या है ओमिट कर देंगे, इसे भी हटा देंगे। और बट द फीलिंग्स बिहाइंड देम इज कन्वेड, बट जो सेंटेंस में जो फीलिंग है उसको, जैसे कि जो वर्ड्स है जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं हुर्रा ये सब हटाएंगे, उसकी जगह पे हम कौन से वर्ड्स हम लोग लिखेंगे, जैसे कि जॉय, सोरो, जो फीलिंग्स बताने के लिए हम लोग जो दूसरे वर्ड्स हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो दूसरे वर्ड्स हैं जैसे कि जॉय, सोरो, इन वर्ड्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। बाकी जो रूल्स हैं वो वैसे ही है, बाकी जैसे।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, फादर सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, फादर सेड जो रिपोर्टेड वर्ब है डायरेक्ट स्पीच के अंदर वो चेंज हो जाएगा, फादर प्रेड सेइंग दैट गॉड माइट ब्लेस हिज सन, ओके। या मे में क्या चेंज आएगा, मे बन जाए, मे चेंज हो जाएगा माइट में, ठीक है। तो गॉड माइट ब्लेस हिज सन, ओके। तो इस तरीके से क्या है, जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के ऐसे बहुत सारे जो रूल्स हैं, इसको जो हम फॉलो करेंगे, इसको फॉलो कर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।